During an experiment, an ideal gas is found to be obey the additional law PVP की power 2 is equal to constant. The gas is initially at temperature T and volume V. When it expands to volume 2V, the resulting temperature will be. ठीक, तो उसका initial में volume था V1 is equal to V, final volume हो गया V2 is equal to 2V. ठीक, इस law को वो follow कर रही. इनिशियल टेम्परेचर उसका था टी, यानी कि टी वन इज इक्वल टू टी, और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेंशन हमसे पूछा गया. ठीक, तो पी, पी की स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं वी वन, वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू, वी टू का स्क्वायर. क्लियर? एंड we know PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, तो हम लोग लिख सकते हैं P is equal to nRT divided by V, nRT divided by V. ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी वन थी फ्रॉम इक्वेशन वन. इक्वेशन वन से हम लोग लिख सकते हैं V1 into P1 का स्क्वायर, तो P1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, N RT divided by V का स्क्वायर. ठीक, और करस्पॉन्डेंस यहाँ पर वैल्यू रखूँ मैं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा टेम्परेचर T1 और यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम V1. क्लियर? इज इक्वल टू ये हो जाएगा V2 into P2, एंड P2 इज एन आर टी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, ये हो जाएगा टी टू और ये हो जाएगा वी टू. क्लियर? तो एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वन इज इक्वल टू टी टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी टू. क्लियर? हमसे पूछा क्या गया है, टी टू मीन्स टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी टू डिवाइडेड बाय P1 into T1 का स्क्वायर. क्लियर? वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय V into T का स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू T, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू आ गया रूट टू ऑफ T. ठीक, इसका फाइनल टेम्परेचर जो होगा, रिजल्टिंग टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेंशन, वो कितना होगा, रूट टू ऑफ टी, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर